सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। आज मैं परमेश्वर के वचन से आप सबसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम अपने काम को पहला स्थान देने लगते हैं, हम अपने जरूरतों को पहला स्थान देने लगते हैं और बाद में प्रभु को रखते हैं, बाद में प्रार्थना को रखते हैं, बाद में परमेश्वर की आराधना को रखते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे बता दूं कि जिस दिन से आप प्रभु को पहला स्थान देने लगेंगे, उस दिन से आप अपने जीवन में बदलाव को देखने लगेंगे। जब हम प्रभु को पहला स्थान नहीं देते, जब हम अपने काम में व्यस्त रहते हैं और अपने काम को पहला स्थान देते हैं, तो शायद वो चीज़ें हमें नहीं मिल सकती जिसका हम तलाश करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो वे सब वस्तुएँ तुम्हें मिल जाएंगी। लेकिन हम क्या करते हैं, आज अपने काम में व्यस्त रहते हैं, हमारे पास 24 घंटे होते हैं, हमारे पास मोबाइल चलाने का समय है, और भी काम करने का समय है, अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन हमारे पास प्रार्थना करने का समय नहीं है, हमारे पास वचन पढ़ने का समय नहीं है। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु को पहला स्थान देते हैं और जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और जब हम परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करते हैं, तो परमेश्वर हमें कभी निराश नहीं होने देता है। हमारे जीवन में हो सकता है कई बार ऐसी परिस्थिति होती है जिसके कारण हम निराश हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें याद रखना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है, जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। कई बार परेशानियों के कारण, समस्याओं के कारण हम इतने परेशान हो जाते हैं कि प्रार्थना तक नहीं करते, इतना परेशान रहते हैं कि प्रार्थना में मन नहीं लगता। लेकिन सोचिए, प्रार्थना ना करने से क्या ऐसा हो सकता है कि जब हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो हमारा कोई उसमें फायदा है, या प्रार्थना ना करने से हमें कोई चीजें मिल सकती हैं? ऐसा कभी नहीं। लेकिन जब हम परेशान होते हैं, यदि उस समय हम प्रभु को पुकारते हैं, तो प्रभु हमारे परेशानी को, हमारे समस्याओं को दूर करता है। इसलिए प्रभु पर संपूर्ण भरोसा रख करके हमें परमेश्वर को पहला स्थान देना है। और सच में मैं आप सबसे बताना चाहता हूं कि यदि हम प्रभु को पहला स्थान देते हैं, तो प्रभु हमारे जीवन में बदलाव को ले आता है। इस वचन से परमेश्वर आप सबको आशीष दे।